हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल यार मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, उसके लिए सो सॉरी। और कल ब्लॉग नहीं आ पाया, तो क्या कर सकते हैं यार, घर पे बहुत ही ज़्यादा काम था, इसलिए जो है मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया। और यहाँ पे मतलब कल से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है रुक रुक के, तो इस वजह से भी थोड़ा मतलब नहीं हो पाया, क्योंकि काम था, काम के बाद फिर बारिश भी हो रही थी, तो उसके बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। और अब मतलब अब ब्लॉग आएगा, डेली ब्लॉग आएगा, बट क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी पड़ जाती है तब नहीं शूट कर पाते हम लोग ब्लॉग ना। तो मैंने इसके लिए मतलब सॉरी बोला यार, एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो आप लोग देख लेना जाके। और मैं अभी बताऊंगा मतलब कल क्या था, क्या काम था घर पे, जिसकी वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। कल घर में हमारे पूजा थी, इसलिए मतलब जो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया। और कल मतलब बहुत सारा आइटम बना था, जैसे कि ये है अपनी फुलौरी, इसको फुलौरी बोलते हैं यहाँ पे। और ये जैसे बेसन का पकौड़ा होता है ना, सेम वही चीज़ है, इसमें कुछ नहीं पड़ा होता, खाली बेसन होता है और जो मतलब जीरा वगैरह कुछ भी और भी कुछ चीज़ होती है जो डाल लेते हैं तो अच्छी लगती है खाने में। कल आए थे घर पे मतलब पूरा परिवार हमारा जो था, सभी लोग थे घर पे, पूजा थी तो उसके लिए सब लोग आए थे, और मतलब बहुत सारे लोग थे, तो खाना वगैरह बना। और जो बारिश भी हो रही थी, तो बारिश का आज भी हो रही है, ये देखो पानी, तो आज भी बारिश हो रही है, कल भी हो रही थी, इसलिए जो है मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो बारिश की वजह से कहीं मतलब बाहर निकल भी नहीं पा रहा था, कीचड़ है बाहर भी, बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। कल से ही मतलब बीच बीच में थोड़ी बंद हो जा रही थी, लेकिन फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गई है, अभी तो ज़ोर से बारिश हो रही है। गाइस कल खाना यहीं पे बना था, ये इधर पे ईंटें मतलब ईंट का चूल्हा बना के बनाया गया था, इधर पे देख सकते हो, इधर मिट्टी लाल लाल हो रखी है, दो चूल्हे, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था। कल सुबह सुबह मैं उठ के मतलब 5 बजे थे, 5 बजे मैं कल सुबह उठा, और सुबह मैं और मेरे जो दादा के लड़के हैं, मेरे भाई, हम 3 लोग गए मंडी, मतलब सुबह सुबह उठ के मंडी गए। और आते समय फिर ऐसे जैसे अभी बारिश हो रही है, उस टाइप की बारिश हो रही थी, और हम लोग मतलब भीग गए थे, और इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कल, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, जब प्रोग्राम रखा है, पूजा है, तो उसी दिन ही करना पड़ता है, तो इसलिए हमको मतलब कैसे भी करके सारा सामान लेके आना ही पड़ा। अब यहाँ से गए थे तब एकदम मौसम पूरा सही था, बट मतलब लौटते समय बूंदाबांदी धीरे धीरे तेज़ी हो रही थी। मेरे को कल 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला बैठने के लिए, बैठा भी तो मतलब जो आए थे परिवार के या फिर रिश्तेदार जो आए थे हमारे यहाँ कल, तो पूजा थी उसमें, तो सबको निमंत्रण दिया गया था, तो सब लोग आए थे, तो उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। ये नहीं कि चलो अपना ब्लॉग शूट करो, ये वो कुछ नहीं, कल सोच रहा था करूँ यार, बट क्या कर सकते हैं, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। हमारे यहाँ ये चिड़िया ने घोंसला लगा रखा है, इसकी इन बच्चों की अभी मम्मी आई नहीं है, पता नहीं कहाँ हैं, कौन से मतलब, क्योंकि बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे वो लोग। ये देखो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम पूरा एकदम ख़राब है। और जहाँ पे ये कल खाना बना था, आज भी ये गर्म है, यहाँ पे मेरा पैर जहाँ पे रख रहा हूँ यहाँ पे अभी भी गर्म है जमीन, और ये इसी भगोले में है खाना। मम्मी भी आज उसकी तरह हेलो गाइस करती हैं, बस हमारे घर के पड़ोस के दूध मतलब दूध दे के जा रहे हैं डेयरी पे। कल यहाँ बाहर मतलब पूरा खाली करना पड़ा था, क्योंकि कल बारिश हो रही थी, इसलिए पूरा मतलब जितना भी सामान था, चारपाई वगैरह, ये इधर पे गाड़ी वगैरह, सारा कुछ बाहर निकालना पड़ा था, और यहाँ अंदर लेके इधर दरवाज़ा थोड़ा छोटा है, इसलिए मेरे को झुकना पड़ता है। ये इधर एक चारपाई पड़ी है, एक इधर चारपाई पड़ी है, और एक और भी इसमें मतलब लगा दिया था, और जो और सामान है वो सारा मतलब यहीं पर अंदर ला के रख दिया था, और बाहर भी उस साइड भी जो उधर है दरवाजे के पीछे उधर रख दिया था सारा सामान, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बाहर निकाल नहीं सकते थे, जो भीगने वाला सामान था, ऐसे गाड़ी होगी चलो इसको तो बाहर कर दिया सूख जाएगी, लेकिन चारपाई बाहर निकाल देते ना तो फिर वो ख़राब हो जाती। तो ये कथरी है मम्मी बना रही हैं, जो बेड पे बिछाते हैं हम लोग गद्दा वो, और ये चारपाई पे कथरी बिछाते हैं, तो ये है कथरी अपनी, इसमें मतलब कपड़े भर के इसको बनाते हैं, और ये मम्मी सिल रही हैं इसको। और ये देखो शादी के कार्ड ही कार्ड पड़े हुए हैं, एक यहाँ पे है, ये देखो शादी के कार्ड सी कार्ड, मतलब इतने सारे कार्ड हैं। तो ये देखो ये है अपना सैनिटाइज़र, और ये अपना कपड़ा, कल बाहर गाड़ी उधर खड़ी करी थी मैंने बाहर बारिश में, इसलिए मैंने निकाल दिया था, अब इसमें रख लेते हैं इसको, मैं इसमें रख के रखता हूँ हमेशा, ताकि कहीं भी बाहर आना जाना पड़े तो
सैनिटाइज करते रहो अपना हाथ। जस्ट अभी नहा के आ रहा हूँ और अभी थोड़ी देर पहले बारिश बंद हुई है, अभी भी हो रही है, मतलब थोड़ी देर रुक के फिर से स्टार्ट हो जाती है बारिश। लेकिन मतलब मैंने सोचा चलो नहा लेते हैं यार, नहीं तो यही अगर देखते रह गए ना तो आज नहाएंगे ही नहीं फिर। तो ये है हमारा मिट्टी का चूल्हा और यहाँ पर कल यहाँ पे एक और चूल्हा रखा था इसी की तरह, और यही लकड़ियाँ हैं अपनी, ये जो गाय को की गोबर की जो कंडी बनती है ये कंडी है, और यहाँ पे ये चूल्हा है, इसी पे मतलब सारा कल पूजा का सामान बना था। सो गाइस ये है हमारी छत का व्यू अभी इस टाइम का, वैसे तो मैं छत दिखा रखी है बट अभी का सीन देखो भाई कितना ज़्यादा पानी, मतलब बारिश हुई है, कपड़ा वगैरह सारा कुछ भीग गया है। सो गाइस हमारी जो सब्जी का खेत है, सब्जी के खेत में अभी पानी भर चुका है तो थोड़ी ख़राब हो गई होगी सब्जियाँ, जो उसमें वो लगते हैं ना फूल वगैरह लगते हैं सब्जी में, पहले सब्जी लगने से पहले फूल लगते हैं तो वो थोड़ी ख़राब हो गई हैं। और यार ये हमारा आम का पेड़ जो दिख रहा है, ये रहा आम का पेड़ हमारा, अभी इसमें देखो आम लग रहे हैं भाई साहब। और छत पे तो यार पानी पानी हो गया है चारों तरफ, छत पे क्या उधर नीचे भी पानी हो गया है। तो यार वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।